जय हिंद स्टूडेंट। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपका लास्ट टॉपिक, आपका सेल का लास्ट टॉपिक आ रहा है न्यूक्लियस। क्या आ रहा है? न्यूक्लियस। इसके पहले जितने भी सेल ऑर्गेन हैं आपके हो चुके हैं ना, ठीक है ना। फूड भी, जैसे फूड वैक्यूल या माइक्रोट्यूब्यूल, जैसे आपके जो दो वर्ड आपके बचे हुए हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने को। जो माइक्रो माइक्रो आपका माइक्रो बॉडीज बताइए ना, और माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल आपके क्या है देखना, बिल्कुल एक लाइन में है। ये है आपके जैसे माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ये क्या होते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ये भी आपके सेल के साइटोप्लाज्म में ये पाए जाते हैं। ये हमारी सेल है, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे आपकी एनिमल सेल हो, मतलब चाहे पादप कोशिका, जंतु कोशिका, किसी भी कोशिका में ये आपकी छोटी छोटी ऐसी शाखित नलिकाएं पाई जाती हैं। गोल्जी बॉडी में भी मैंने इसे बताया है कि गोल्जी बॉडी में भी सिस्टर्नी से, जैसे ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी की जो आपकी नीचे वाली स्पेस होती है उससे आपकी ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स आपकी या ट्यूब्यूल्स आपकी बनती हैं, जो मटेरियल को ट्रांसफर करने का वर्क करती है। ये बताए थे ना, यही आपकी ट्यूब्यूल है, यही ट्यूब्यूल है जो गोल्जी बॉडी की आपकी लोअर सरफेस में, जिसे हम एम फेस या टी फेस कहते हैं, उसमें आपके पाए जाते हैं और मटेरियल का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। साथ में माइक्रो ट्यूब्यूल्स जब आपकी एनिमल सेल में सेल डिवीजन होता है ऐसे, तो बीच में ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स ऐसे आकर के ऐसे सेट होंगे और इस तरह से सेल बरो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल बरो। ये ऐसे सेल बरो बनती है। तो सेल बरो का एनिमल सेल में बनती है सेल बरो, और प्लांट सेल में बनती है सेल प्लेट, ठीक है ना। सेल प्लेट ऐसे आपकी प्लेन होती है और सेल बरो आपकी ऐसे आपकी रिजिड जैसे आपकी बनती है। तो इसका फॉर्मेशन कौन करते हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल। तो माइक्रो ट्यूब्यूल आपकी क्या होती है? सूक्ष्म शाखित नलिकाएं होती हैं जो पदार्थों का परिवहन करती हैं, और क्या करती हैं कि कोशिका विभाजन के समय, कोशिका जब आपकी विभाजित होती है तो वहां बीच में स्थित होकर के सेल बरो का निर्माण करती है। समझ में आ गया? और कुछ नहीं बताना इसमें। नेक्स्ट देखना, एक आपका फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में एक चीज इंपॉर्टेंट है, यह है आपका फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल को लेकर के जैसे प्लांट और एनिमल में डिफरेंस भी बताए थे, अंतर बताए थे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो पादप कोशिका में एक आपकी बड़ी क्या पाई जाती है? फूड वैक्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका। क्या बोलते हैं? खाद्य रिक्तिका। हम बोलेंगे खाद्य, ये लिखा है खाद्य, और ये है रिक्तिका। रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, या इन्हीं को बोलते हैं हम रस धानिया हिंदी में, और आप पढ़ोगे इसे रस धानिया। कि प्लांट में रस धानिया एक पाई जाती है, एक बड़ी रस धानी पाई जाती है, छोटे छोटे रूप में नहीं पाई जाती वो, स्मॉल साइज में पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें एक होती है, जैसे ये है प्लांट, ये आपका ये प्लांट है, और ये आपका क्या है? एनिमल है। एनिमल, सॉरी एनिमल, ये आपका एनिमल, प्लांट और एनिमल है। तो इसमें इस तरह आपकी एक ऐसे लार्ज फूड वैक्यूल पाई जाएगी, और जबकि इसमें आपकी ऐसे छोटी छोटी आपकी क्या होती है? मैनी फूड वैक्यूल पाई जाती है। समझ में आए ना? तो प्लांट सेल में ही इसे इन्हें रसधानियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसधानियां, क्योंकि ये कुछ एंजाइम को इस, ये फूड जो वैक्यूल आपकी प्लांट की फूड वैक्यूल होती है, इसमें कुछ आपके क्या होते हैं? पाचक एंजाइम, जिसकी वजह से इन्हें लाइसोसोम भी कहा जाता है। पादप जगत का लाइसोसोम भी इन्हीं को कहा जाता है। और स्फीरोसोम, कल मैंने आपका लास्ट क्लास में क्या बताई थी? स्फीरोसोम बताई थी ना, जो प्लांट में पाई जाती थी, माइक्रो बॉडीज है स्फीरोसोम। उस स्फीरोसोम को भी हम वहां पर लाइसोसोम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कभी कभी पाचक एंजाइम देखने को मिलते हैं। तो वहां लिख लीजिए यदि नहीं लिखा हो, कि स्फीरोसोम पादप जगत का लाइसोसोम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी कभी इसमें भी आपके फैट को स्टोर करने के साथ साथ कभी कभी इसमें पाचक एंजाइम भी रहते हैं, जिसकी वजह से ये भोजन पचाने का भी कार्य करता है, जिसके कारण पादप जगत का लाइसोसोम स्फीरोसोम या कि आपकी फूड वैक्यूल कही जाती है। समझ में आ गया? लिख लिया। अब देखिए, ये है आपकी फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के चारों तरफ कैसी मेम्ब्रेन पाई जा रही है? सिंगल, एकल मेम्ब्रेन। ये दोनों में क्या है? सिंगल,
सिंगल मेम्ब्रेन है, ये है सिंगल मेम्ब्रेन, बोले तो एकल झिल्ली, एकल झिल्ली से आपकी घिरी होती है। क्वेश्चन यहीं पर आता है कि खाद्य रिक्तिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? है तो ये एक तरह की झिल्ली ही, जैसे आपकी सेल मेम्ब्रेन होती उसी तरह ये लिपोप्रोटीन की बनी है, लेकिन ये इसकी झिल्ली स्पेशल है। इसकी झिल्ली को चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की खाद्य रिक्तिका हो, इसकी झिल्ली को बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन ये आ चुका है आपका एग्जाम में कि टोनोप्लास्ट किसमें पाई जाती है, हिंदी में लिख सकते हो आप ऐसे टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट खाद्य रिक्तिका की बाहरी झिल्ली कहलाती है, बाहरी खाद्य रिक्तिका झिल्ली को ही हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये लिख लीजिए आप, लिख गया, इंपॉर्टेंट है ये टोनोप्लास्ट, और किसी में नहीं देते हैं शब्द, केवल खाद्य रिक्तिका में टोनोप्लास्ट बोला गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सेल ऑर्गेन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। सेल ऑर्गेन आपके पूरी सेल, आपके चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, जितने भी आपके सेकंड जो आपका सेल का पार्ट था सेल ऑर्गेन, इसमें देखो ये आपने पढ़ा है गोल्जी बॉडी, पढ़ी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ी है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड अस ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ाया है, ठीक है, लाइसोसोम भी पढ़ा है, फूड वैक्यूल भी अभी बता दी, ठीक है, अभी आपकी माइक्रोबॉडीज भी बता दी, ठीक है, आपकी माइक्रोट्यूब्यूल भी बता दी, सेंट्रियोल भी आपका बता दिया था, ठीक है, और आपका राइबोसोम भी बता दिया था, ठीक है ना, और इसमें फाइबर के फॉर्म में आपके सीलिया और फ्लैजिला। तो जब सेंट्रियोल बताया है तो सीलिया और फ्लैजिला कैसे होते हैं, सीलिया जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे है आपके, बिल्कुल रोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और फ्लैजिला जो होता है वो लंबा धागे के समान संरचना होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म को क्या करता है, गतिशील अवस्था में बनाए रखता है। यही आपके रेशे जो होते हैं वो ऐसे आपके मूव करते रहते, गति करते रहते हैं, जिससे आपका साइटोप्लाज्म में गतिशीलता देखने को मिलती है, स्थायी रूप से रुका नहीं रहता है। समझ में आ गया? सीलिया फ्लैजिला में मैंने बताया था, इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं वो 11+2 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 11+2, क्योंकि इसमें ये देखो इसकी स्ट्रक्चर यदि हमने सीलिया और फ्लैजिला की बताई है तो 9 जो होते हैं वो पेरीफेरल को हम बोलते हैं परिधीय नलिकाएं। क्या होती है ये? परिधीय नलिकाएं होती हैं, कितनी? 9। और केंद्रीय नलिकाएं कितनी होती हैं? 2। केंद्रीय नलिकाएं कितनी होती हैं? 2। तो इस तरह से 9 और प्लस 2 इक्वल कितनी होती है? 11। तो सीलिया और फ्लैजिला की जो संरचना होती है वो 11 माइक्रोट्यूब्यूल या सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर के बनी होती है, ठीक है ना। ये हम बोलेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला में 11 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। सीलिया फ्लैजिला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं? 11, ठीक है ना। कैसे? देखो हटा दे, देखो ऐसे पाए जाते हैं, जैसे ये बताया था कल मैंने, ऐसे ऐसे कितनी हो गई? 6, ठीक है ना। ये ऐसे इसका अराउंड बनाएंगे इसी तरह, ये 1, 2, ये थोड़ी पास पास बन गई हैं ऐसे, तो ये 3 आपकी कितनी हुई? 6 और 3 9, तो 9 ये हो गई, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे राउंड फॉर्म में बना देंगे और यहाँ सेंटर में होती है ये 2 सेंटर में होती है, तो इस तरह से 9 और ये आपके 2, ये तो 9 और 2, और इस तरह आपका ये ऐसे बील लाइक आपका पहिए के आकार की संरचना बनेगी, जिस तरह से आपका ये कहलाएगा, जैसे सेंट्रियोल को पढ़ाए थे तो उसमें पहिए के आकार का संरचना बनाए थे, लेकिन सेंट्रियोल में ये 2 नहीं पाई जाती हैं, केंद्रक के अंदर 2 नहीं पाई जाती हैं, जबकि सीलिया फ्लैजिला में ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल और पाई जाती हैं, जिसकी वजह से 9+2 पढ़ते हैं इसे। समझ में आ गया?
सीलिया जो होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला गति करने का कार्य करते हैं। देखना, जैसे फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला जैसे आपका ये है आपका युगलीना, युगलीना वगैरह को यदि हम देखें तो युगलीना आपका ऐसे ये ब्लेफेरोब्लास्ट होता है, युगलीना में ये आपका ये निकलता है ये फ्लैजिला। जैसे अभी बैक्टीरिया सेल बताई थी तो बैक्टीरिया सेल में ये निकला था फ्लैजिला, ठीक है ना। तो इनकी फ्लैजिला की नंबर एक या दो हो सकती है, ये लंबे धागे होते हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं, लंबे धागे होते हैं। सेम इसी तरह हमारे प्लांट और एनिमल की सेल में भी आपके इस तरह ये लंबे लंबे साइटोप्लाज्म में धागे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, फ्लैजिला। लेकिन यहीं पर यदि इस तरह रोम जैसे आपके छोटे छोटे धागे पाए जाए तो ये क्या कहलाएंगे, सीलिया। सीलिया कहाँ पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा पैरामीशियम, ये हम बनाते हैं स्लीपर के आकार की स्ट्रक्चर पैरामीशियम, ये है आपकी पैरामीशियम। तो पैरामीशियम ऐसे रोम जैसे आपके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया। तो चाहे फ्लैजिला हो और चाहे सीलिया हो, ये दोनों गति करने का कार्य करते हैं। ये आपके एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों की सेल में आपके पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय जीव है, जैसे ये युगलीना है, ये पैरामीशियम है, ये बैक्टीरिया है, और ये हमारी सेल है, एनिमल की सेल है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ये रोम जैसे पाए जाते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म ऐसे गति करते रहते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म स्थायी नहीं रहता, आपका गतिशील अवस्था में रहता है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए, तो यहां आपका सेल का ये साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन जो है, ये आपका ये देखो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है सेल बाउंड्री, और ये आपका सेकंड पार्ट सेल का कंप्लीट हो गया है आपका, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जितने भी सेल ऑर्गेन आते हैं जिसे हम कोशिका द्रव बोलते हैं, उसमें सब पढ़ लिया हमने, समझ में आ गया ना। अब हम सेल का थर्ड पार्ट उठाते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मेन, एंड मेन पार्ट जो है सेल का वो है आपका ये क्या है आपका, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आते हैं हम, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, ठीक है। सेल का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, सेल का मेन पार्ट ऑफ द सेल ये पढ़ रहे हैं हम, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, या इसी को हम बोलते हैं केंद्रक, या इसी को हम और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैरियन, कैरियन, ठीक है, कैरियन। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस या कैरियन इज कॉल्ड द कैरियोलॉजी, हम लिखेंगे स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं हम। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी, ठीक है, केंद्रक विज्ञान कहलाएगी आपकी। केंद्रक का अध्ययन करना केंद्रक विज्ञान कहा जाएगा, समझ में आ गया ना। केंद्रक की जो डिस्कवरी हुई है वो कब हुई है, 1831 में, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, ये हैं रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, उन्होंने ये आपका डिस्कवरी की, कहां से, फिश की आरबीसी में, मछलियों की लाल रक्त कोशिकाओं में, ठीक है, मछलियों की लाल रक्त कोशिकाओं में इन्होंने न्यूक्लियस को देखा था, समझ में है ना। और रॉबर्ट ब्राउन के भी पहले ल्यूबिन हॉक ने भी देखा था, ल्यूबिन हॉक, एंटोनी ल्यूबिन हॉक, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज या जीवित कोशिका की खोज की है, तो इनके पहले ल्यूबिन हॉक ने भी देखा था, ठीक है ना। लेकिन पूरा डिटेल से स्ट्रक्चर के साथ बताया है रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए ऑल बुक्स में हमारी डिस्कवरी का अवार्ड जो गया है वो रॉबर्ट ब्राउन को गया है, समझ में आ गया ना। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने फिश आरबीसी में, किसमें, फिश आरबीसी में, जो मछली की लाल रक्त कोशिका है, फिश आरबीसी में न्यूक्लियस को क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया या खोजा, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ भी कितनी आपकी झिल्लियां पाई जाती हैं, दो, एक झिल्ली तो ईआर बनाती है और दूसरी खुद केंद्रक की होती है, ठीक है ना। तो ऐसे देखना, ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये झिल्ली होती है ऐसे, तो कहना चाहिए केंद्रक के पास भी कैसी होती है, दोहरी झिल्ली होती है। तो हम बोलेंगे केंद्रक, केंद्रक या न्यूक्लियस
केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ सेल का मुख्य भाग होता है। ठीक है ना, मुख्य भाग है, मुख्य अंग नहीं है, मुख्य भाग है। केंद्र क्या है? सेल का मुख्य भाग, मेन पार्ट है ये, सेल ऑर्गेन नहीं है ये। समझ में आ गया? अब देखिए, हटाएं, देखिए, हर सेल में आपका न्यूक्लियस क्या होता है, पाया जाता है। लेकिन कुछ आपकी ऐसी सेल हैं, कुछ अपवाद स्वरूप, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके। हमने बताया कि हर सेल में यदि कोई जीवित सेल है तो हर सेल में न्यूक्लियस तो पाया ही जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलर ऑफ द सेल कहलाता है, नियंत्रण करता है पूरी सेल को, ठीक है ना, पूरा डायरेक्शन देता है, निर्देशन करता है पूरी कोशिका का। जैसे ब्रेन है तो ब्रेन पूरी बॉडी के अंगों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। यदि ब्रेन ना हो तो पूरे ऑर्गेन आपके फिर अनकंट्रोलेड होने लगे और बॉडी में जो काम हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से ना हो पाए। तो हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर, या हम बोलेंगे डायरेक्टर ऑफ द सेल। इसे हम कोशिका का नियंत्रक या निर्देशक भी कहते हैं, इसे कोशिका का नियंत्रक या निर्देशक भी कहा जाता है। हो गया? अब देखना, मैंने बताया बिना न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस सेल इज कॉल्ड द डेड। विदाउट न्यूक्लियस, यदि हमने ये सेल बनाया और ये साइटोप्लाज्म सेल बाउंड्री, लेकिन आपका मेन पार्ट ना हो, न्यूक्लियस ना हो, तो सेल क्या कही जाती है, डेड कही जाती है। विदाउट न्यूक्लियस सेल इज कॉल्ड द डेड। बट ये एक जगह गलत हो जाता है, क्योंकि आपकी दो ऐसे भी सेल हैं जहां पर आपका केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो कोशिका जीवित कोशिका कही जाती है। समझ में है ना? यहां देखना, मैं एक पॉइंट बोल रही हूं, विदाउट न्यूक्लियस सेल इज कॉल्ड द डेड। सेल को हम क्या कह के बुलाते हैं, यदि न्यूक्लियस ना हो तो मृत कोशिका कह के बुलाते हैं उस कोशिका को। समझ में आया ना? बट यहां देखना, ये अपवाद स्वरूप आपका ये पॉइंट आता है, एक्सेप्शनली फॉर्म में अपवाद स्वरूप हम बताते हैं यहां पर कि आपका मैमल्स आरबीसी, किसकी, मैमल्स आरबीसी रेड ब्लड सेल, एंड आपने फ्लोयम पढ़ा होगा अपना, इसमें प्लांट सेल में जाइलम और फ्लोयम हम बताएंगे, ये टिश्यू है। तो फ्लोयम की सीप ट्यूब होती है, सीप ट्यूब, चलनी नलिकाएं, सीप ट्यूब, ये भी सेल्स ही हैं, एक फ्लोयम का पार्ट है, सेल है ये, सीप सेल्स भी बोल सकते हैं या सीप ट्यूब। मैमल्स आरबीसी एंड फ्लोयम सीप ट्यूब आर न्यूक्लियस लेस, ठीक है, बोले तो मैमल्स की आरबीसी, मैमल्स में कौन कौन आ जाएगा, हम आ जाएंगे, ठीक है, हम लोग सभी ह्यूमन आ जाएगा, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी ये सभी आ जाएंगे, ठीक है, चूहा गिलहरी, ठीक है, चमगादड़ वेलफिश, ये सभी आपके किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। वेलफिश भी आपकी मैमल्स हैं, और चमगादड़ भी पक्षी में नहीं आता है, चमगादड़ भी आपका क्या आता है, मैमल्स में आता है, क्योंकि उसमें मेमरी ग्लैंड होती है, उसे फ्लाइंग फॉक्स के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, फ्लाइंग बोले तो उड़ती लोमड़ी के नाम से बोला जाता है उसे, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। तो इस तरह से मैमल्स की आरबीसी में, ये हमारी जैसे रेड ब्लड सेल है, ये हमारी आरबीसी है, तो इसमें आपका ये सेल का साइटोप्लाज्म, ये सेल बाउंड्री, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होगा,
लेकिन फिर भी हम इस आरबीसी को जीवित कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी, आरबीसी को जीवित कोशिका कहते हैं। और जबकि यहां पर देखो मैंने कहा है विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस सेल इज कॉल्ड द डेड, और यही हम कह रहे हैं बिना न्यूक्लियस के सेल जीवित है। ठीक है, तो ये अपवाद है ऐसे। और ये जीवित इसलिए है क्योंकि जो आपकी आरबीसी है और आपकी प्लेटलेट्स, आपका जब हम टिश्यू पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, तो वहां आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब पढ़ेंगे, तो इस आरबीसी और प्लेटलेट्स भी आपकी न्यूक्लियस लेस होती है। प्लेटलेट्स भी आपकी जो होती है ना हमारे बॉडी में 1.5 लाख से 3 साढ़े 3 लाख तक होती है। यदि प्लेटलेट्स आपकी गिरती हैं तो बॉडी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी पावर जो होता है बिल्कुल गिर जाता है। तो प्लेटलेट्स आपकी पढ़ी होंगी, जानते होंगे प्लेटलेट्स को। तो यहाँ आपका प्लेटलेट्स और आरबीसी और कहना चाहिए फ्लोएम की सीप ट्यूब सेल, जैसे आपकी ये सीप ट्यूब सेल बनी हुई है, सीप ट्यूब, फ्लोएम की सीप ट्यूब सेल, तो इसमें ये इसका साइटोप्लाज्म पाया जाएगा लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, और फिर भी ये जीवित कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि इसके जो नेबर्स सेल है, नेबर्स पड़ोसी कोशिका, जैसे आपका ये पड़ोसी सेल है आपकी क्या डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी, तो इसका न्यूक्लियस ऐसे लोब में, कक्षों में डिवाइड होता है, 1, 2, 3, 3 से लेकर के 5 कक्षों तक डिवाइड होता है, काफी बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियस एक तो अपनी खुद की सेल का कंट्रोल करेगी और दूसरा पड़ोसी सेल का भी क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। समझ में है ना? जैसे हमारे बगल में कोई है और हम लोग थोड़ा सा अच्छे हैं और कोई उसको बगल को परेशानी हो जाती है तो हम उसकी हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, जिससे हमारा तो काम चल ही रहा है और उसका भी काम चलता रहे। समझ में है ना? तो इस तरह से ऐसा ऐसा ब्लड सेल में भी होता है कि आपका जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसकी पड़ोसी सेल क्या करती है, उसका नियंत्रण करती है, इसलिए ये जीवित मानी जाती है। सेम इसी तरह सीप ट्यूब सेल्स को ये कंपेनियन सेल कहलाती, संयोजी कोशिका है, तो इसका न्यूक्लियस जो होता है ये खुद की सेल और सीप ट्यूब सेल्स को क्या करता है, कंट्रोल करके चलता है, जिससे दोनों आपकी जीवित अवस्था में बनी रहती है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो आपको लिखना है स्तनधारियों की, मैमल्स को बोलते हैं स्तनधारी, स्तनधारियों की आरबीसी में, स्तनधारियों की आरबीसी में, और फ्लोएम कोशिका, जो फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यू इसे बोलेंगे, इसे कोशिका बोलेंगे, फ्लोएम ऊतक की चलनी नलिकाओं में नहीं पाया जाता केंद्रक। समझ में है ना? ठीक है, और फिर भी ये जीवित इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी जो पड़ोसी कोशिकाएं होती हैं वो इसको जीवित अवस्था में बनाए रखती है। समझ में है ना? अब यहीं पर देखना कि मैं बता रही हूं कि मैमल्स की आरबीसी में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये देखना, मैमल्स, मैमल्स आरबीसी, आरबीसी एब्सेंट द न्यूक्लियस, मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपके दो अपवाद और आते हैं, ये ऊंट और लामा, ठीक है ना, ये है बट, बट यहां लिखेंगे बट, या अपवाद स्वरूप यहां लिख लेंगे अपवाद स्वरूप, अपवाद क्या है, कैमल, कैमल एंड लामा, ये आपके दो मैमल्स हैं। ऊंट भी आपका स्तनधारी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, और लामा भी आपका, ये है आपका लामा भी रेगिस्तानी आपका एक एनिमल है। ठीक है, तो ये भी आपका मैमल्स में आता है। तो इन दोनों की आरबीसी में, ये दोनों की आरबीसी और दोनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मैं बोल रही हूं मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसे कौन से मैमल्स हैं जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैमल बोले तो ऊंट और लामा जो कि स्तनधारी होने के बावजूद भी इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और यही मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट करके रखिएगा इसको। अब देखिए आगे आइए, जो एक कोशिका होती है, एक कोशिका में मोस्टली क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक कोशिका में क्या होता है, एक न्यूक्लियस, लेकिन कभी कभी, लेकिन कभी कभी हम एक कोशिका में दो न्यूक्लियस या दो से अधिक आपके कई न्यूक्लियस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है,
एक कोशिका में मुख्यतः एक या एक से अधिक न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। जैसे देखो अभी हमारी जो एनिमल सोमेटिक सेल है उसमें एक केंद्रक पाया जाता है, यही हमने अभी बताया था आपको पैरामीशियम सेल, ये आपका ऐसा ये बनाया था मैंने पैरामीशियम, सिलिएटा ग्रुप में ये आपका आएगा, ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है, अभी जिसमें फ्लैजिला बताए थे मैंने, ये फ्लैजिला, तो इसमें दो न्यूक्लियस होता है, एक होता है ये माइक्रो, एक होता है एक मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस बोले तो दीर्घ केंद्रक, और एक होता है सूक्ष्म केंद्रक, इसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, दो केंद्रक हैं। देखो यहां पर कोशिका में एक या एक से अधिक केंद्रक देखने को मिलते हैं, तो अधिक केंद्रक इसमें मिलेगा जैसे पैरामीशियम, ये है आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम में दो केंद्रक देखने को मिल रहे हैं, एक को बोलेंगे हम मैक्रोन्यूक्लियस और एक को बोलेंगे हम माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, जो आपका मैक्रो है, मैक्रो क्या करता है, मैक्रो सेल की जो आपकी फिजियोलॉजी है आकार की, जो साइटोप्लाज्म में जो भी फिजियोलॉजी, जो आकार की वर्क होना है, जो भी एक्टिविटी कार होना है, जैसे ऑर्गेन है आपकी फूड वैक्यूल, तो फूड कैसे स्टोर करना है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे रेस्पिरेशन करना है, तो ये सब वर्किंग साइटोप्लाज्म में वर्किंग कराने का वर्क कौन करता है, आपका दीर्घ केंद्रक। ठीक है, लेकिन आपका विभाजन, विभाजन एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम का निर्माण, जो सेल का रिप्रोडक्शन होता है, एक पैरामीशियम से दूसरा पैरामीशियम कैसे बनेगा, तो ये करता है रिप्रोडक्शन का कार्य, केंद्रक क्या करता है, ये सूक्ष्म वाला क्या करता है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ये जनन का कार्य करता है, रिप्रोडक्शन, या इसी को हम बोलते हैं डिवीजन, ये डिवीजन का वर्क करता है, सेल डिवीजन का वर्क करता है। समझ में आया, जैसे आ जाए कि पैरामीशियम में दो केंद्रक हैं और दोनों केंद्रकों का कार्य क्या है, तो एक केंद्रक क्या करता है कि सेल का पूरी कार्यकी को नियंत्रण करता है, और जो छोटा केंद्रक होता है ये जनन का कार्य करता है, बोले तो विभाजन, एक पैरामीशियम से दो या दो से अधिक पैरामीशियम का निर्माण कर देता है। समझ में आ गया। सेम इसी तरह मैंने और भी बताया कि एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं, मल्टीपल, बहुकेंद्री, तो बहुकेंद्री जैसे ये फंगस मैंने बताई थी, ये फंगस, फंगस आपकी ऐसे जाल के रूप में, ये माइसीलियम कहलाता है इसका, ऐसे यदि इस फंगस में ये सेप्टा ना बनाए, जैसे ये सेप्टा बन गया तो इसका एक पार्ट आपका ये यूनि न्यूक्लिएटेड हो गया, लेकिन किसी किसी फंगस में, किसी किसी फंगस में क्या होता है, सेप्टा एबसेंट होता है, किसी किसी फंगस में सेप्टा एब्सेंट होता है, जैसे सेप्टा यदि नहीं है तो ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये ऐसे, अब आप देखोगे कि पूरी एक ब्रांच में एक से अधिक केंद्रक देखने को मिल रहा है, तो कवक वगैरह में बहु केंद्रक देखने को मिलते हैं, कवक जो होते हैं, जो फंगी होती है, फंगी वगैरह में कई केंद्रक देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से किसी भी कोशिका में एक या एक से अधिक केंद्रक देखने को मिल सकते हैं। समझ में आया। जरूरी नहीं है कि हमारी एक सेल में एक केंद्रक है तो एक ही केंद्रक होता है, नहीं, कभी कभी एक से ज्यादा भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इसे अच्छे से ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इसकी डिवाइड होती है कितने पार्ट में, फोर पार्ट में, एक होती है केंद्रक झिल्ली, एक होता है केंद्रक द्रव, ठीक है, एक होता है आपका क्रोमेटिन नेट जिसे हम गुणसूत्रीय जाल कहते हैं, और एक होता है केंद्रिका। ठीक है, हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा आपका केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकंड को हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, या इसी को बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म, 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 या कैरियोलिम्फ भी बोल सकते हैं इसे, कैरियोलिम्फ, कैरियोलिम्फ भी बोला जा सकता है इसे। ठीक है, एक होता है आपका क्रोमेटिन नेट, ठीक है ना, या इसी को गुणसूत्रीय जाल, गुणसूत्रीय जाल, गुणसूत्रीय जाल,
या हम बोल सकते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट। और एक होता है आपका केंद्रिका, केंद्रिका, या इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो ऐसे चार पार्ट हमें देखना है कि केंद्रक में ये चार पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो चारों पार्ट के नाम डाल लीजिए आप, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, गुणसूत्रीय जाल और आपका केंद्रिका। बना लिया? हो गया। अब देखिए, अब हम बनाएंगे डायग्राम, देखेंगे डायग्राम में। ये देखो, जैसे आपका ये आपकी क्या बनी हुई है, ये सेल, ये क्या है, सेल, एनिमल सेल है, ठीक है ना। और सेल के सेंटर में आपका क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले आपकी ये है, जैसे ऐसे बनाना है, ठीक है ना। और फिर इसको डबल करेंगे, एक बाहरी झिल्ली रहेगी, ये ऐसे ऐसे आपको बनाना है। अब देखो, ये बीचों बीच जो बनाए हैं मैंने, ये क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र। यदि इन छिद्रों की स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसे होते हैं छिद्र, थोड़ा ऐसे होते हैं, अष्टफलकीय फॉर्म में। ऐसे ऐसे बोले तो ऐसे आठ आठ कॉर्नर बने होते हैं, ऑक्टागोनल। जैसे हेक्सागोनल प्लांट सेल हेक्सागोनल होती है ना, वैसे ही आपके ऑक्टागोनल ऐसे ऐसे, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये 6 7 8, ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने यहां पर। ये ऑक्टागोनल कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अष्टफलकीय, ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर कहलाती है ये, समझ में ना, अष्टफलकीय बात नहीं, ये अष्टफलकीय संरचना होती है। और यदि माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ऐसे ये होल के रूप में ऐसे दिखाई देगी, ये बीच बीच में ये क्या पाए जाते हैं, ऐसे होल। और इन होल को देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, ऐसे अष्टकोणीय संरचना में दिखाई देते हैं। ये प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर होती है, ये अष्टफलकीय संरचना प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनुलस, बात नहीं, एनुलस, अष्टफलकीय संरचना को एनुलस, ठीक है। तो इस तरह से ये केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली भी आपकी क्या कहलाएगी, लिपोप्रोटीन की बनी होगी। जो थिकनेस है वो भी आपकी 60 से 75 एंग्रस्टांग होगी इसकी, ठीक है ना। और कैसी होगी, सेमी परमिएबल होगी। कैसी होगी, सेमी परमिएबल, मतलब उपयोगी और अनुपयोगी चीजों को ध्यान रखेगी कि किसको अंदर लेना है और किसको बाहर निकालना है, ठीक है। जैसे सेल की मेम्ब्रेन है, उसी तरह आपकी हर ऑर्गेन या हर न्यूक्लियस की आपकी मेम्ब्रेन होती है। तो ये हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में ये, इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र, ये आपके केंद्रक छिद्र कहे जाते हैं, न्यूक्लियर पोर। ये हो जाएंगी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले तो बाहरी केंद्रक झिल्ली, और ये अंदर वाली हो जाएगी इनर, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिनिश हुई, समझ में आ गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। इधर मेम्ब्रेन, MEMBRANE, मेम्ब्रेन, आउटर, OUTER, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले तो बाहरी, बाहरी केंद्रक झिल्ली और आंतरिक केंद्रक झिल्ली,
केंद्रक के चारों तरफ दो झिल्ली होती हैं, एक को बोलते हैं बाहरी केंद्रक झिल्ली और एक को बोलते हैं हम आंतरिक केंद्रक झिल्ली। केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली होती है उसका निर्माण ईआर के द्वारा होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बाहरी केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। समझ में आ गया ना, लिख लिया। दोनों केंद्रक झिल्ली कैसी रहेंगी, सेमी परमिएबल रहेंगी, 75 एंगस्ट्रॉम तक क्या रहेंगी, मोटी होंगी और आपकी क्या होंगी, लिपोप्रोटीन की बनी रहेंगी। समझ में आ गया, ये सब हो गया। और झिल्लियों के बीचों बीच आपके क्या पाए जाते हैं, छिद्र। क्यों छिद्र पाए जाते हैं, देखो मेम्ब्रेन के द्वारा तो मटेरियल आपका अंदर बाहर हो ही रहा है, लेकिन कभी कभी मटेरियल को इतनी स्पीड में साइटोप्लाज्म में भेजना पड़ता है, मैसेज जो डीएनए का होता है, डीएनए का मैसेज इतनी स्पीड में भेजा जाता है कि इस मेम्ब्रेन से यदि वो भेजता है तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। इसलिए बीच बीच में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वहां पर होल बन जाते हैं और इस होल को हम बोलते हैं क्या, ये ऐसे प्रोटीनस होल बनते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एनुलस। क्या बोलते हैं, एनुलस। एनुलस और आपका होल मिलकर के ये आपका न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, न्यूक्लियर होल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। या सीधे आप केंद्रक छिद्र पढ़ लीजिए, बाकी की बात छोड़िए। तो ये केंद्रक छिद्र के द्वारा मटेरियल डायरेक्ट आपका साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट आपका न्यूक्लियोप्लाज्म पहुंच जाता है। समझ में आया ना, ठीक है। तो इस तरह से छेद इसीलिए पाए जाते हैं ताकि केंद्रक का पदार्थ जो है वो जल्दी केंद्रक द्रव से बाहर निकल करके कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव का मटेरियल आपका केंद्रक द्रव में चला जाए। समझ में आया ना, क्योंकि मेम्ब्रेन स्लो वर्क करती है। तो इस तरह से ये हुआ। अब देखेंगे हम सेकंड पार्ट आपका, नेक्स्ट देखना आपका सेकंड पार्ट आपका, ये बता रही हूं मैं, सेकंड पार्ट आपका जो कहलाएगा ये रहेगा, सेकेंड पार्ट आपका जो ये पाया जाएगा, सेकेंड पार्ट ये केंद्रक के अंदर, जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें आपका क्या पाया जाएगा, ये डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाएगा, ठीक है ना। कुछ आरएनए भी पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, आरएनए। और आपका क्या पाया जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका पाया जाएगा न्यूक्लियोलस। ये देखना, ये बना रही हूं मैं न्यूक्लियोलस, ये है आपका न्यूक्लियोलस, ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस, ठीक है। और आपका क्या पाया जाएगा, प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन क्या कहलाएंगी, तो कुछ आपकी हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपकी पाई जाएंगी। और क्या पाए जाएंगे, कुछ मिनरल्स, मिनरल्स आपके क्या पाए जाएंगे, जैसे कैल्शियम प्लस प्लस और मैग्नीशियम प्लस प्लस, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम आपके पाए जाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये पूरी स्ट्रक्चर जो येलो और रेड से आपकी भरी हुई है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस का दूसरा पार्ट मैंने बताया, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव क्या है, केंद्रक द्रव का सबसे पहले जो नाम दिया है वो दिया है आपका स्टार्स बर्गर ने। किसने दिया है, ये लिख लेना, न्यूक्लियोप्लाज्म वर्ड गिवन बाय स्टार्स बर्गर। ये कई जगह नाम आपको मिलेगा स्टार्स बर्गर, परेशान मत होना, ये बहुत फेमस आपके साइंटिस्ट हैं। स्टार्स बर्गर इन 1882 में, 1882 में दिया था न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द। जो केंद्रक द्रव शब्द दिया है, या कोशिका द्रव शब्द, या केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव शब्द भी स्टार्स बर्गर ने ही दिया है, और केंद्रक द्रव शब्द भी आपका स्टार्स बर्गर ने ही दिया है। समझ में आ गया, स्टार्स बर्गर ने दिया। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में यदि हम देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है आपका, डीएनए आरएनए, और आपका क्या होता है, एंजाइम, सम आपके क्या होते हैं, एंजाइम भी पाए जाते हैं, और आपका क्या होता है, प्रोटीन, न्यूक्लियस प्रोटीन, न्यूक्लियस प्रोटीन। न्यूक्लियस प्रोटीन का नाम क्या है, केंद्रक के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केंद्रक के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, एक यूकैरियोटिक सेल के केंद्रक में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन बताया था मैंने,
याद है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन को ही केंद्रक की प्रोटीन कहा जाता है। यदि आ जाए केंद्रक की प्रोटीन कौन सी है, तो ना एल्ब्यूमिन ना ग्लोब्यूलिन, ये सब नहीं लिखेंगे, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन लिखेंगे, समझ में है ना। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोटीन भी पाई जाती है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, ये सब मिल करके न्यूक्लियोप्लाज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सबको कॉमनली रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव। लिखिए न्यूक्लियस प्रोटीन, ब्रैकेट में लिख लेना हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। न्यूक्लियस प्रोटीन क्या है? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, ये देखना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रोटीन जो होती है, न्यूक्लियस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही आपकी केंद्रक की प्रोटीन कही जाती है। फिर आपके जो मिनरल्स होते हैं, बोले मिनरल्स को खनिज बोलते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं आपके कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें और क्या पाया जाता है? डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इन्हीं डीएनए से, डीएनए से ही आपका क्या बनता है? क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट। अभी तीसरी हेडिंग जो बताई है मैंने कि न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर नीचे डलवाई है मैंने क्रोमेटिन नेट, डलवाई है ना क्रोमेटिन नेट। तो क्रोमेटिन नेट का कौन निर्माण करेगा? डीएनए करेगा। क्रोमेटिन नेट का निर्माण कौन करेगा? डीएनए करेगा, समझ में आया। तो जाल के रूप में ये पाया जाता है। जो आपके डीएनए आरएनए होते हैं, डीएनए आरएनए से ही आगे चल करके ये बनता है आपका क्या? डीएनए की ही स्ट्रक्चर जब आपकी बनती है तो वो आपका न्यूक्लियो, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये सब एंजाइम, जो एंजाइम लिखा है ना, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एटीपीएज एंजाइम, एटीपीएज एंजाइम, एज जहां लगा हो वो एंजाइम कहलाता है, एटीपीएज एंजाइम। केंद्रक में प्रोटीन बनाने के लिए एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे आपका कहना चाहिए, इन सबको कॉमनली रूप से हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव में जो ये सब आपका मटेरियल आपका पाया जाता है वो आपका कहलाता है केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ गया? ठीक है, लिख लिया। यदि आए कि केंद्रक द्रव में क्या क्या पाया जाता है तो क्या क्या बोलोगे? क्या क्या पाया जाता है केंद्रक द्रव में? डीएनए आरएनए, न्यूक्लियस प्रोटीन, मिनरल नेट। वही डीएनए आरएनए संघनित होकर के बना देते हैं क्रोमेटिन नेट, गुणसूत्रीय जाल। समझ में आ गया ना? अब देखिए आगे आइए, नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं क्रोमेटिन नेट। ये है आपका क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट। देखो क्रोमेटिन नेट क्या है, क्रोमेटिन नेट किसका बना होता है? तो क्रोमेटिन नेट जो होता है ये आपका, अभी ये केंद्रक बनाए थे हम, ये ऐसे, ये आपका अभी ये केंद्रक आप लोगों का बना है, आप लोग नहीं बनाना, ये ऐसे ये केंद्रक छिद्र थे ये, और यहां अंदर अंदर आपका ये सब क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है ये? न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये पाए जा रहे हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट, जो डीएनए से ही बने हुए हैं, डीएनए आरएनए से, समझ में है ना। तो इन्हीं क्रोमेटिन नेट को देखना है, तो क्रोमेटिन नेट का फॉर्मेशन किससे किससे होता है? तो क्रोमेटिन नेट का फॉर्मेशन होता है डीएनए, ये लिखेंगे डीएनए प्लस आपका क्या? आरएनए, ठीक है, प्लस आपकी जो न्यूक्लियर प्रोटीन होती है। न्यूक्लियर प्रोटीन के नाम क्या बताए हैं? न्यूक्लियस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन
एच का मतलब है, इसे एस से डिनोटेड करेंगे तो एच का मतलब हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। तो इस तरह से हम लिखेंगे हिस्टोन, हिस्टोन और प्लस लिखेंगे नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। यदि इन सबको इकट्ठा मिला दिया जाए, इन सबको सम्मिलित यदि करके ऐसा मिला दिया जाए तो आपका ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्रोमेटिन नेट बनेगा। क्या बनेगा? क्रोमेटिन नेट। इन सबको इकट्ठे कॉमन रूप से ही क्रोमेटिन नेट कहते हैं। डीएनए क्रोमेटिन नेट में डीएनए कितने परसेंट पाया जाता है? 31% पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है? 31%, ठीक है ना। यहाँ आरएनए आपका 2-5% पाया जाता है। हिस्टोन आपकी कितनी पाई जाती है? 36% पाई जाती है। और नॉन हिस्टोन कितनी पाई जाती है? 28% पाई जाती है। ये हो गया 31, 31, 5, 36, 36 और 36, 72, 72 और 28, आपका 100 हो गया। इस तरह से 100% क्रोमेटीन का निर्माण आपका ये होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है, डीएनए से भी कहीं ज्यादा आपकी क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। समझ में है ना, हिस्टोन प्रोटीन। अब देखना आप, जो हिस्टोन है होती है, ये हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन जो केंद्रा की मेन प्रोटीन है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ, ये लिखेंगे हम टाइप ऑफ, टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार। हिस्टोन प्रोटीन एक होती है H1, बोले तो हिस्टोन वन, H1, ये हो गई H1। फिर होती H2A, H2B। जो हिस्टोन दूसरे प्रकार की हिस्टोन होती है वो A और B में डिवाइड होती है, और एक होती है हिस्टोन 3 और एक होती है हिस्टोन 4। तो हिस्टोन 4 प्रकार की, 1, 2, 3, 4। दो वाली जो है, जो हिस्टोन दूसरी है, ये ए और बी में डिवाइड होती है। समझ में है ना, टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो H1, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है, इसे हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रोटीन को, इस प्रोटीन को बनाने के लिए मेन आपके क्या होते हैं, एमीन, एमीन जो प्रोटीन की यूनिट कहे जाते हैं। तो कौन कौन से मेन एमीन होते हैं? एक तो होता है आर्जिनिन एंड लाइसिन, लाइसिन, आर्जिनिन और लाइसिन ही आपका क्या बनाती है, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण करती है। ये एक तरह से एमीन है, ये क्या है, एमीन, प्रोटीन की छोटे पार्ट आपके NH2 जिन्हें हम बोलते हैं, ये एमीन कहलाते हैं, यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो कौन से एमीन पाए जाते हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन, आर्जिनिन और लाइसिन सबसे अधिक आपके पाए जाते हैं आपके कहां पर, आपके हिस्टोन प्रोटीन में। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आर्जिनिन और लाइसिन आपके जो एमीन होते हैं, एमीन, ये बनाते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन को, ठीक है, लिख लिया। चलिए अब देखना, जो आपके क्रोमेटिन नेट हैं, ये आपके क्रोमेटिन नेट जो अभी केंद्रक में मैंने बताए थे धागे नुमा, तो ये दो तरह से धागे देखने को मिलते हैं। जैसे समझ लो ये केंद्रक है, और अभी ये धागे जो बनाए थे मैंने, तो इनको यदि हम अलग अलग करके देखें तो इस तरह से दो टाइप के ऐसे धागे देखने को मिलेंगे। एक आपका ऐसा मिलेगा धागा, एक आपका ऐसा मिलेगा धागा, और एक आपका धागा कैसा मिलेगा, एक धागा आपका ऐसा मिलेगा, देखना, एक आपके ऐसे मिलेंगे, ऐसे, ऐसे, ये दो तरह से आपके धागे जो अभी मैंने ऐसे उलझे हुए से बनाए थे ना, ऐसे यदि इनको अलग किया जाए तो ये दो रूपों में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। एक हरे हरे जो मोटे हैं थोड़े, ये डार्क हैं, और ऐसे क्या है, मोटे मोटे से हैं, ये परिधि की ओर है, ये जो ग्रीन बनाए हैं ये थोड़ी मोटे हैं और परिधि की ओर आपके पाए जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। और जो बीच में पतले पतले बने हैं इनको हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन। लिख लीजिए, यदि आए कि क्रोमेटिन धागे कितने प्रकार के हैं, क्रोमेटिन नेट कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो दो पार्ट में, हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन।
ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन लिख लिया। यूक्रोमेटिन कैसे होते हैं, पतले होते हैं, हल्के रंग में होते हैं और बीच में पाए जाते हैं हमेशा। कैसे होते हैं, पतले हल्के और सेंटर में। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं ये परिधीय के और मोटे और डार्क रंग में होते हैं। कैसे होते हैं, डार्क डार्क होते हैं ये वाले, ये आपके हेट्रोक्रोमेटिन। मेन जो ट्रू क्रोमेटिन कहलाते हैं वो यही सेंटर के कहे जाते हैं, सेंटर के आपके ट्रू क्रोमेटिन कहे जाते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, आगे आपका आएगा नेक्स्ट, आपका फोर्थ नंबर में आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता दिया, न्यूक्लियोलस बता, वो न्यूक्लियो प्लाज्म बता दिया, क्रोमेटिन नेट बता दिया। अब हम आते हैं न्यूक्लियोलस में, किसमें, न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये आपकी कहलाएगी केंद्रिका, इसे हम लिखेंगे केंद्रिका, ये है केंद्रिका। हर केंद्रक में एक या एक से अधिक, ये है केंद्रक, और केंद्रक में आपकी पाई जाती है एक या एक से अधिक भी हो सकती है, एक या एक से अधिक केंद्रक केंद्रिका पाई जाती है। लिख लेना यहां पर, एक केंद्रक में, ये आपके केंद्रक में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक केंद्रिका पाई जाती है, जैसे हमारी सेल के केंद्रक में कितनी पाई जाती है, एक केंद्रिका पाई जाती है। लेकिन यही हम प्लांट ले, प्लांट की जैसे ओनियन, प्याज, प्याज की जब हम स्लाइड बनाते हैं तो उसकी सेल का जो हम केंद्रक ये पढ़ते हैं तो उसमें चार केंद्रिका पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, चार केंद्रिका, ठीक है ना। कभी कभी केंद्रक में केंद्रिका अनुपस्थित भी होती है, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन की ही स्पर्म सेल है, मेल स्पर्म सेल जो आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहलाती है, तो स्पर्म सेल का ये है न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस पार्ट है तो न्यूक्लियस पार्ट में यहाँ पर केंद्रिका नहीं होती है। समझ में आया ना। तो इस तरह से केंद्रिका एक या एक से अधिक या किसी की कोशिका में आपकी एब्सेंट भी हो सकती है। केंद्रिका जो होती है, केंद्रिका के जो डिस्कवरी की है फोंटाना एंड बाउमैन, यह है आपका बाउमैन, फोंटाना एंड बाउमैन डिस्कवर द न्यूक्लियोलस। केंद्रिका की जो खोज की है वो फोंटाना और बाउमैन ने की है, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है दोनों के। केंद्रिका की खोज फोंटाना या बाउमैन ने की, ठीक है। केंद्रिका का निर्माण कौन करता है, डीएनए के द्वारा होता है, ठीक है। डीएनए या डीएनए से ही क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है कि नहीं बनता, डीएनए ही क्रोमोसोम को बनाता है। तो डीएनए या क्रोमोसोम से ही न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। केंद्रिका को कौन बनाता है, केंद्रिका को डीएनए, या डीएनए के ही बड़े पार्ट को हम बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन नेट, ये आपके निर्मित करते हैं क्या, केंद्रिका को, ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए, ये है आपका केंद्रक और ये आपका जैसे डीएनए है, डीएनए या क्रोमोसोम। तो समझ लो कि आपके डीएनए के जिस भाग से आपकी केंद्रिका लगी होती है, जैसे यहां पर ये जुड़ी हुई है केंद्रिका, ये आपकी केंद्रिका क्या है, डीएनए के जिस भाग से आपकी ये केंद्रिका जुड़ी होती है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, NOR, ये इसका पूरा नेम लिखने को आता है कि NOR क्या है, ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन, न्यूक्लियोलस इसका पूरा नाम है, न्यूक्लियोलस बोले तो केंद्रिका ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन और R फॉर रीजन मतलब NOR वो स्थान है जहां पर केंद्रिका का निर्माण होता है, डीएनए के जिस भाग से या क्रोमोसोम के जिस भाग से
केंद्रिका का निर्माण होता है वो पार्ट कहलाता है NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। समझ में आया? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन और रीजन। ऑर्गेनाइज मतलब उत्पन्न होना, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज करना बोले तो उसका उत्पादन करना सीधे। तो आपका इस तरह से आपका ये केंद्रिका डीएनए या कि हम क्रोमोसोम दोनों चीज लिख सकते हैं, डीएनए या क्रोमोसोम के जिस भाग से केंद्रिका का निर्माण होता है वो आपका कहलाता है NOR रीजन। समझ में आ गया? फंक्शन क्या है मेन केंद्रिका का? ये है आपका फंक्शन। फंक्शन क्या करता है? ये आपका आरएनए निर्माण करता है, आरएनए का सॉरी राइबोसोम का। ये क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम का निर्माण करती है कौन? केंद्रिका। इसीलिए केंद्रिका को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम सो न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है, केंद्रिका का कार्य क्या है? राइबोसोम बनाना, ठीक है ना। तो राइबोसोम जब वो बना रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री। और राइबोसोम क्या कर रहा है? राइबोसोम को किसकी फैक्ट्री बोलते हैं? राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम क्या कार्य करता है? पढ़ते नहीं हो तुम लोग यार। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन नहीं बनाता है राइबोसोम, तो राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए राइबोसोम को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। और चूंकि राइबोसोम का निर्माण करती है न्यूक्लियोलस, इसलिए न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलेंगे। समझ में आया? अब लास्ट में आपका क्या आएगा? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, या जाएगा न्यूक्लियस फंक्शन, ठीक है ना। ये है आपका न्यूक्लियस फंक्शन क्या हो जाएंगे? केंद्रक के कार्य क्या हो जाएंगे बताइए मुझे? क्या क्या केंद्रक कार्य करेगा? सबसे फर्स्ट में केंद्रक का कार्य क्या है? पूरी सेल को कंट्रोल करना, सेल का कंट्रोलर कहलाता है, ठीक है ना। पूरी सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, उपापचयी क्रियाएं वगैरह जो होंगी, वो सब आपके केंद्रक के नियंत्रण में आपकी चलेंगी। समझ में आ गए ना? केंद्रक के अंदर डीएनए है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? ये देखिए आपका, अभी ये बताया मैंने, ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर आपका ये डीएनए क्रोमेटिन नेट फॉर्म में आपका पाया जा रहा है। तो और इसी आपके ये डीएनए से आगे चल करके क्या बनना है आपका? क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस ही क्या बनाते हैं? जीन। क्या बनाते हैं? जीन, जिन्हें हम जेनेटिक अनुवांशिक इकाई कहते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी लक्षण आपके आते हैं वो इनके कारण आते हैं, और ये जीन हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है ना। बोले तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होते रहते हैं। तो केंद्रक का दूसरा कार्य हो जाएगा कि ये अनुवांशिक सूचनाओं को या अनुवांशिक लक्षणों को अपने पास रखता है, और एक सेल से दूसरी सेल, जब सेल डिवीजन होगा तो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करने का वर्क करता है। समझ में आ गया ना? तो मेन कार्य है। और केंद्रक क्या करता है? कोशिका विभाजन, सबसे पहले केंद्रक ही डिवाइड होता है, तो कोशिका विभाजन में केंद्रक हेल्प करता है, अनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर करता है, अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है, केंद्रिका का निर्माण करता है, जिसकी वजह से केंद्रिका से आपका क्या बनता है? राइबोसोम बनते हैं, सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए के कारण। समझ में आया ना? तो ये सब केंद्रक के कार हो जाएंगे, बन जाएंगे केंद्रक के कार, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर आपकी सेल होती है पूरी कंप्लीट, ठीक है, सेल कंप्लीट है। ओके, जय हिंद।